नमस्कार दोस्तों, हम राहुल राज, आप देख रहे हैं टेक्निकल बिहार चैनल। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप लोग अपना एडमिट कार्ड किस तरह से डाउनलोड करेंगे पूरा प्रोसेस मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत परेशानी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना होगा। फ्रेंड्स, इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ, डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद देखेंगे फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आपको क्या करना, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते चले आना है और यहाँ पे देखेंगे फिर सबको लिखा मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फिर सबको लिखा मिलेगा, देख ले सकते फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देख सकते फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स, एक नंबर में डाउनलोड एडमिट कार्ड ऑफ DCE CE PM और PMM और PM। ओके, तो यहाँ पे चलिए क्लिक करना है। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक यहाँ पे लिंक चल रहा है कि एडमिट कार्ड ऑफ DCEC 2023 इज अवेलेबल ऑन टू डाउनलोड। ओके, तो नीचे आना है आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और इस कैप्चे को यहाँ पे फिलअप करना और साइन इन करना। ओके फ्रेंड्स, तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वही ईमेल आईडी डालेंगे जो आप लोग ऑनलाइन आवेदन करते टाइम डाल लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो पासवर्ड क्रिएट किए थे वही डालना है, उसके बाद कैप्चा डालना और साइन इन करना। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे सारे डिटेल्स पहले डाल लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सारे डिटेल्स फिलअप कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली से क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। ओके, चलिए मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। देख सकते फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे आपको देख सकते फ्रेंड्स, यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड का एक यहाँ पे सिंबल मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपली से आपको इस पे क्लिक करना है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। ओके, तो चलिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होके प्रीव्यू हो जाएगा। देख सकते फ्रेंड्स, इसमें आपका रोल नंबर और आपका एड्रेस, आपका नेम, आपका क्या कैटेगरी है, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पर आया है, सेंटर कोड क्या है, यहाँ पे सारा डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगा। देख सकते फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका रोल नंबर देखने के लिए मिल जाएगा ऊपर में। ओके, और यहाँ पे साइड में भी आपका रोल नंबर। ओके, और यहाँ पे आपका नाम, फादर्स नेम, सारा चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे सेंटर, सेंटर ऑफ एग्ज़ाम। तो यहाँ पे देख सकते फ्रेंड्स, एग्जाम सेंटर यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है। उसके बाद सेंटर कोड, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम यानी कि एग्ज़ाम का डेट और टाइम यहाँ पे दिया गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं जो कि पारामेडिकल और पॉलिटेक्निक का। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगर आप लोग को मेरा अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड में शेयर करिए ताकि जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँच रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।